हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल की बैटरी और ये जो लिथियम की बैटरी है ये आप कैसे चार्ज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 25 से 30 रुपए में। तो यार वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है ना। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है ना। देख सकते हैं हमारे पास तीन बैटरी हैं और चार मोबाइल की बैटरी हैं। तो इसको चार्ज करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस वीडियो पे बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इसे टर्मिनल कनेक्टर बोलते हैं इसे। ये मेरे को 2 रुपये का मिला है और मैंने इसके अंदर वायर पहले से कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कनेक्ट कर रखा है। उसके बाद हमें एक ज़रूरत पड़ेगी TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। ये मेरे को सिर्फ 25 रुपये का मिला है लाजपत राय मार्केट से, और इसके मैं कनेक्शन आप लोगों को समझा दूं। देख सकते हैं आप लोग, इसमें B+, ये जो दो वायर पीछे गए हैं ये आउटपुट है, और ये जो दो कनेक्शन दिख रहे हैं ये बैटरी के हैं, ये कनेक्शन बैटरी के हैं, ठीक है। कनेक्शन आप लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। उसके बाद ये जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसके अंदर ये जो कनेक्टर है हमें हम कनेक्ट कर देंगे। ये B+ लिखा है वहाँ पर हमें पॉजिटिव देना है, और जहाँ पर B- लिखा हुआ है वहाँ पर हमें नेगेटिव देना है। इससे आप एक साथ 2 से 3 बैटरी 4 बैटरी आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। देख सकते हैं कनेक्शन हमारा पूरा हो गया फाइनली, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बैटरी ले ली है नोकिया की, या आप कोई भी ले सकते हैं। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है, एक साथ 2 बैटरी। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रू टर्मिनल जो है यहाँ पर मैं स्क्रू से कस दूँगा, इसे टाइट कर दूँगा, मतलब स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे टाइटली फिक्स कर दूंगा। इससे ये होगा कि आपको बार बार सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक साथ 2, 3, 4, 5 जितनी बैटरी चार्ज करना चाहें आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा बैटरी होगी उतना टाइम लेगा ये चार्ज करने में। तो चार्ज करने के लिए आपको अपने घर में जो मोबाइल चार्जर होता है आप उसी का इस्तेमाल करें। आपको सीधा डाटा केबल कनेक्ट कर देना है USB, देन उसके बाद उसको स्विच बोर्ड में लगा देना है। तो देख सकते हैं LED जो है रेड हो गई है, रेड मतलब अभी ये चार्ज हो रही है। अगर हमारी शॉर्ट होती बैटरी तो ये रेड और ब्लू दोनों लाइट जलती, मतलब शॉर्ट है तो वो चार्ज नहीं होती, और जब ये फुल हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लग जाएगी। तो देख सकते हैं आप लोगों को दिखा दूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एक बैटरी और कनेक्ट कर रहा हूँ, वो भी लिथियम की 18650 की बैटरी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने कोई फेक वीडियो बनाई है। तो आपके सामने मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इसको आपको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, ये तीनों बैटरी फुल चार्ज हो जाएंगी। तो इसी तरह आप ये सारी बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 25 रुपये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है आपको, और उसी तरह आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं। ये लिथियम की जो छोटी वाली पॉलीमर बैटरी है आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं। तो आप इसको भी चार्ज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई बैटरी आप उसको भी चार्ज कर लें आराम से। तो बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ही देर में।